अरे ये क्या, ये दोनों सास बहू की जोड़ी किस चीज में जुटी पड़ी है। शोभित ने ऑफिस से वापस घर आकर घुसते ही निधि और तरु को एक साथ एक ही मोबाइल मतलब तरु के मोबाइल में व्यस्त देखकर कहा, जरा चुप रहो थोड़ी देर, हम लोग जरा बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। निधि ने होठों पर उंगली रखकर शोभित को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, हे भगवान, ये नहीं पता कि एक बंदा बेचारा ऑफिस से थका हारा आया है कि कोई उसको पानी वानी दे, ऊपर से चुप रहने का इशारा किया जा रहा है। कैसा जमाना आ गया है, खुद सास बहू को बढ़ावा दे रही है। एक बात सुन लीजिए मम्मी, आप मेरी पत्नी को बिगाड़ रही हैं, शोभित चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रहा था कि ये सास बहू की कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन पक क्या रही है, कम से कम ये तो पता चले। शोभित, इतना विचलित क्यों हो रहे हो, अभी दे रही हूँ पानी। इतना कहकर तरु ने जल्दी से शोभित को पानी दे दिया और फिर घुसकर निधि के पास बैठ गई। अरे तुम दोनों मुझको जरा बताओगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। शोभित के सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस दो मिनट और रुक जाओ फिर सब कुछ आराम से बताती हूँ, निधि ने शोभित को शांत करते हुए कहा। बस मम्मी जी, अब सब हो गया, ये कहते हुए तरु और निधि ने ठंडी सांस ली और शोभित को उन दोनों के चेहरे से लग रहा था कि उन लोगों ने सचमुच किला फतेह कर लिया। चलो तरु बेटा, अब फटाफट चाय बना लाओ, क्योंकि अब तो मेरा मन भी बड़े जोर शोर से चाय पीने का हो रहा है। निधि ने मुस्कुराते हुए तरु से कहा और थोड़ी ही देर में तरु तीन कपों में बढ़िया मसालेदार चाय बना कर ले आई और तीनों लोग बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। अरे मेरी अम्मा, अब तो कम से कम बता दीजिए कि आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है और आप लोग किस काम में जुटे पड़े थे। शोभित जब कभी खिसिया जाता तो निधि से इसी तरह से बात करता। शोभित बेटा, तरु यहाँ पर अकेले अकेले कितना बोर हो जाएगी, अब हम और तुम्हारे पापा तो यहाँ हमेशा तुम लोगों के पास रहेंगे नहीं, और तरु को तो मेहंदी लगाने में अच्छी खासी महारत हासिल है, तो हमने और तरु ने सोचा कि क्यों ना अपार्टमेंट के ग्रुप में मेहंदी लगाने का विज्ञापन डाल दिया जाए। अब जब कभी तीज त्योहार या शादी ब्याह का उत्सव होगा तो लोग बाग तर से मेहंदी लगवा लिया करेंगे, आकर तरु को अच्छा भी लगेगा और वो व्यस्त भी रहेगी। बस इसलिए उसका विज्ञापन बनाकर हम लोग अपार्टमेंट के ग्रुप में डाल रहे थे, निधि ने अपनी बात रखते हुए कहा। असल बात निधि, इस अपार्टमेंट में बेटा बहू की शादी के बाद उनके साथ पहली बार रहने आई थी और लोगों से थोड़ा बहुत जान परिचय भी होने लगा था, बस तभी निधि ने तरु के साथ मिलकर ये योजना बनाई। तरु तो ये सुनकर सचमुच बहुत खुश हो गई कि उसके हुनर को एक पहचान मिलेगी और वो इसी बहाने व्यस्त भी रहेगी। आप क्या सोचती हैं कि आप इतना बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें 200-250 फ्लैट हैं, वहां कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं होगा। शोभित फिर से चिनकते हुए बोला, शोभित हम लोगों ने अपार्टमेंट के कई लोगों से बात करने के बाद ये विज्ञापन डाला है, उन लोगों की बातों से पता चला कि यहाँ पर अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है और अगर आप ये काम शुरू करती हैं तो आपको अच्छे खासे कस्टमर मिल जाएंगे। इस बार तरु ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, हाँ मिल गए कस्टमर, देखना कोई भी नहीं आएगा। ये कहकर शोभित ने काले कप ट्रे में रख दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। लेकिन तरु उसकी बात से थोड़ी मायूस सी हो गई। अरे तरु, तुम इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये शुरू से ही ऐसा है। निधि ने तरु को मायूस चेहरा देकर कहा, और सही बात, किसी का भी फोन नहीं आया। अब तो सचमुच तरु दुखी हो गई, लेकिन 2-3 घंटे के बाद तरु के पास 2-3 फोन आ गए मेहंदी लगवाने के लिए।
क्योंकि 2-3 दिन बाद ही वट सावित्री की पूजा थी। अब तो तरु बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हाँ, उसकी और उसकी सास की सोच बिल्कुल सही निकली। तरु को तो यही लगा कि उसके हुनर को सचमुच पंख मिल गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।